नमस्कार, झारखंड अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। मतदान से ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा जी ने झारखंड अब तक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। आइए जानते हैं किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं लक्ष्मण गिलुवा जी। अभी हम माननीय लक्ष्मण गिलुवा जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनसे इस कार्यक्रम जो चुनावी महासमर में उसमें दो शब्द इनसे जानना चाहते हैं कि ये लास्ट समर जो चुनाव का है उसमें इनका मुख्य चक्रधरपुर विकास के लिए उद्देश्य क्या है, ये जानना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से श्री लक्ष्मण गिलुवा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से भी और आज भी इस चुनावी युद्ध में भी, चुनावी यंग में भी, चुनावी मैदान में भी हमारा जो जनता से हमने वादा कर रहा है या कोशिश हम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि राज्य में बनती है तो, लेकिन यह मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है जनता के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले हमारा तो विकास ही रहता है, सर्वांगीण विकास, सबके घर दरवाजा तक विकास की रोशनी को पहुंचाना यह हमारा प्राथमिकता है और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरा झारखंड प्रदेश में काम कर रही है। इसके बाद लोगों को रोजगार का सृजन करके रोजगार देना, यह बहुत बड़ी झारखंड के लिए चुनौती भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा कर रही है, करेगी, इसलिए कि इस राज्य के अंदर खुशहाली, हरियाली और खुशहाली लाना है। हरियाली और खुशहाली तो तब आएगा जब पढ़े लिखे लोगों को आप रोजगार दो और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहेगा। कोई व्यापार बिजनेस करने वाले कोई भी लोग अपने शांति प्रिय ढंग से एक अच्छा वातावरण में अपना व्यापार बिजनेस कर सके, इस तरह का माहौल को तैयार करना। गिलुवा जी, लोग कह रहे हैं कि आप मंत्री बनेंगे, तो मंत्री बन के सबसे पहले चक्रधरपुर के लिए कौन सा ऐसे काम करने जा रहे हैं जो आप मन में सोचे हुए हैं जनता के लिए? देखिए, मंत्री बनना या हमारा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम लोग को तो इस बार प्रयास इतना करना चाहिए कि ऐतिहासिक वोट से भारतीय जनता पार्टी चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर विजय प्राप्त करे। लगभग उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन और रात मेहनत कर करके जीत की ओर 25 कदम आगे बढ़ा चुका है। मुझे लगता है कि चक्रधरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और जहां तक मंत्री बनने की बात है, यह काम हम केंद्रीय नेतृत्व को और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर हम छोड़ देते हैं कि आने वाले दिनों में उसकी मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करेंगे, उनके विवेक पर सारा चीज़ों को छोड़ देते हैं। खास करके हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है इन सब चीज़ों को अपने तरीके से इसको देखता है और जो योग्य समझता है उसको यह पदभार दे करके झारखंड का सेवा के लिए पब्लिक के सामने उतारते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिक और केंद्रीय नेतृत्व भी सेवा करने का जरूर अवसर देगा। एक अंतिम सवाल गिलुवा जी, कहे कि लोकसभा में देखा गया कि कुछ कार्यकर्ता जो आपके अपने थे वो चुपचाप बैठ गए, और अभी भी देख रहे हैं कुछ कार्यकर्ता बेचारे निराश आपके तरफ देख रहे हैं और उपेक्षा कर रहे हैं कि कब हमें भी कुछ काम मिलेगा। वो कार्यकर्ता के बारे में कुछ बोले। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कार्यकर्ता कोई भी निराश नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा है और अपना नियम भी है, जब कोई भी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिकृत प्रत्याशी हो जाते हैं तो सभी कार्यकर्ता मन लगा करके उस प्रत्याशी को हम कैसे जितावें, उसके लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए, उसके लिए क्या मैनेजमेंट हो सकता है, या उसके लिए हम किस तरह से काम करेंगे, दिन और रात सोचते हैं और उसी आधार पर काम करते हैं कि हमारा प्रत्याशी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार राज्य में बनावे, इसके लिए मेहनत करता है।